हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर ऑल टेक्निकल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं राहुल कुमार केशरवानी, मैं आपको आईटीआई के कोर्स का एक आपको सब्जेक्ट होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग, जो कि इंजीनियरिंग ड्राइंग आपको आईटीआई में पढ़ना होता है, वह हाल ऑल टेक्निकल के लिए अप्लाई होता है, उसको पढ़ना ज़रूरी होता है। और इस इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इंजीनियरिंग ड्राइंग जो होती है आपको पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है। लड़कों का ये बहुत मतलब ये टफ सब्जेक्ट माना जाता है, या उन्हें दिक्कत होती है क्योंकि वो इस चीज़ को बहुत हल्के में लेते हैं, या उनको पढ़ना भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि यह ड्राइंग सब्जेक्ट जो होता है बहुत ही आपको नहीं समझ, इंटरेस्ट नहीं होता। जिस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होता वो सब्जेक्ट आपके लिए वो उसको टफ माना जाता है, लेकिन अगर आप इसको इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे तो ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। जैसे आपके सामने हमने कुछ सब्जेक्ट जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट ईयर का सिलेबस जो है आईटीआई का है, उस आईटीआई के सिलेबस में हम आपको 13 चैप्टर का नाम लिखें जो आपको पढ़ना होता है, वो आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंतर्गत। पहला चैप्टर है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग, यानी अभियांत्रिकी रेखाचित्र का परिचय। तो आपको इंट्रोडक्शन करना है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग का मतलब क्या होता है, या इंजीनियर के लाइफ में ड्राइंग का क्या महत्व, क्योंकि आप किसी चीज़ का अगर ड्राइंग शीट बना दोगे तो उस ड्राइंग शीट के द्वारा आप उस चीज़ के बारे में समझ सकते हो। जैसे कोई सिविल इंजीनियर होता है तो वो क्या करता है, सिर्फ नक्शे को ड्रा कर देता है, या किसी बिल्डिंग का नक्शा हो गया, या तो किसी का फ्लैट का नक्शा होगा, या किसी का कमरे का नक्शा होगा, तो वो क्या करता है, एक ड्राइंग शीट लेता है और उस ड्राइंग शीट पे अपना चेक मतलब कि जो उसको मतलब कि उस पर शो करना है, जैसे आपका रूम का सिंबल बना देता है। अगर आप मतलब टेक्निकल के हैं, जैसे सिविल इंजीनियर है, तो वो अपना रूम बनाएगा कि कहाँ पर उनको किचन करना है, कहाँ पर उनको बाथरूम बनाना है, तो ये सब वगैरह वगैरह जो आपको बनाता है वो उस ड्राइंग शीट पर ड्रा करता है, और उसी के हिसाब से उस चीज़ को वो आपको जो मतलब कि वहाँ के वो लेबर होते हैं, या तो वहाँ के जो मेंटेनेंस वाले हैं बनाने वाले, या मिस्त्री जिसको बोला जाता है, तो वो उस चीज़ शीट को उसी के अकॉर्डिंग उस प्रोजेक्ट पर काम करते हैं और उस काम को वो सही करते हैं। तो पहला चीज़ ये, तो इंट्रोडक्शन ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गया, तो इसमें आपको ड्राइंग के बारे में बताया जाता है कि ड्राइंग में हमको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, किस चीज़ की हमको आवश्यकता होगी, तो उस चीज़ के बारे में इसमें रहता है। दूसरा ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, तो ड्राइंग के इंस्ट्रूमेंट में हमको क्या क्या ज़रूरत पड़ती है, जैसे हमको ड्राइंग शीट की ज़रूरत पड़ती है, हमको टी स्क्वायर की ज़रूरत पड़ती है, स्केल की ज़रूरत पड़ती है, पेंसिल की ज़रूरत पड़ती है, इरेजर की ज़रूरत पड़ती है, तो नाइफ कटर की ज़रूरत पड़ती है, नाइफ की ज़रूरत है, इन सभी चीज़ों का यूज करके मैकेनिकल ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट उसको बोला जाता है। और तीसरे चैप्टर में ये फ्री हैंड ड्राइंग, अगर हमको किसी चीज़ को फ्री हैंड ड्राइंग मतलब ड्राइंग बनाना है, जैसे हमको किसी ना तो स्केल का यूज करना है, ना तो किसी डाटा को यूज करना है, ना तो किसी पैरामीटर के हिसाब से बनाना है, तो वो फ्री हैंड डायग्राम अगर बनाना है तो उसके बारे में बताया है। अब इंजीनियरिंग लाइंस में ये होती है कि इंजीनियर की लाइंस कितने सेंटीमीटर, जैसे हमने अभी तक इंटर या हाई स्कूल तक जो पढ़े हैं कि कोई स्केल अगर है आपका जैसे 30 सेंटीमीटर की, वो हमेशा 30 सेंटीमीटर शो करें, लेकिन इंजीनियर की जो लाइंस होती है वो क्या करते हैं, उसी 30 सेंटीमीटर को 30 किलोमीटर बना देते हैं, उसी 30 सेंटीमीटर को 3000 किलोमीटर बना देते हैं, तो वो क्या करते हैं, मानक मानते हैं, स्टैंडर्ड वैल्यू मानते हैं, तो उस स्टैंडर्ड वैल्यू को इंजीनियरिंग लाइन से बोला जाता है। अब इसके बाद है ज्यामिति रचनाओं की ड्राइंग, यानी ड्राइंग ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर्स। ज्योमेट्रिकल फिगर्स में आपको ये पढ़ना रहता है कि हमारा जैसे कोई मतलब कि शंकु है या हमारा बेलन है, तो ज्योमेट्रिकल के शेप में उसको कैसे बनाया जाए। जैसे आपने कभी मतलब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है, तो ट्रिग्नोमेट्री हो गया तो ज्योमेट्रिकल में ये देखना होता है शेप साइज सारे चीज़ को लिया जाता है, तो इसके अंतर्गत। इसके बाद लेटरिंग में आ गया, लेटरिंग इसको कहते हैं, लेटरिंग में होता है अक्षरांकन। अक्षरांकन का मतलब होता है किसी भी चीज़ के अच्छे, जैसे ए बी सी डी का कितना डायमीटर होना चाहिए, कितने लेंथ में हमको लिखना, जैसे आपको दे दिया गया 5 सेंटीमीटर के गैप में, जैसे
ये 5 सेंटीमीटर का गैप है, तो इस 5 सेंटीमीटर के गैप में आपको ए बी सी डी लिखना है, तो ए की लंबाई कितनी होनी चाहिए, बी की लंबाई कितनी होनी चाहिए, डी की लंबाई कितनी होनी चाहिए, तो इस सब के डायमीटर को आपको बताया जाएगा ए बी सी डी। ये लेटर बीमांकन में अगर डायमेंशन में बीमांकन में बीमा के रूप में माना जाता है, जैसे बीमा में कि अगर हम 5 सेंटीमीटर को क्या मान सकते हैं, जैसे अगर हमको किसी स्केल पे एक हमने स्केल ले लिया 30 सेंटीमीटर स्केल की, इस पर हमने हमने मान लिया कि 1 सेंटीमीटर बराबर हमने 1 किलोमीटर मान लिया, तो अगर ये 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर तो इसको मान सकते हैं 30 किलोमीटर, ये 30 किलोमीटर की लाइन को शो करता है। तो ऐसे ही आपको विमांकन में पड़ता है, ड्राइंग शीट का अभिविन्यास आकार साइज एंड लेआउट ऑफ ड्राइंग शीट, ड्राइंग शीट का कितना साइज होना चाहिए, कितने में लेआउट ड्रा करना है, जहाँ पे आपको नाम, इंस्ट्रूमेंट नाम, अपना ड्राइंग शीट नंबर लिखना है, अपना रूल नंबर लिखना है, और आप क्या काम कर रहे हो उसके बारे में, तो ये आपको ड्राइंग शीट है। उसके बाद प्रस्तुतिकरण की विधि यानी मेथड्स ऑफ प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन में आपको उस सारे चीज़ को देखना है कि हमको कैसे उस चीज़ को प्रेजेंट करना है, यानी कि आपको प्रस्तुतिकरण की विधियाँ किस तरह आपको, मतलब किसी ड्राइंग शीट को अगर आपने उसको ड्रा कर लिया तो उस शीट को किस तरह आप शो करते हो या किसी के सामने उसको दिखाते हो, तो ये हो गया प्रस्तुतिकरण। उसके बाद प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व, जिसको सिम्बोलिक रिप्रेजेंटेशन, जैसे आपने ड्राइंग शीट में आपने जो चीज़ बनाया है, अगर आप जैसे इलेक्ट्रीशियन के हैं तो उसने आपने स्विच बोर्ड को क्या शो किया, किस सिंबल में बनाया, आपने मतलब कि क्या कहते हैं आप फैन को हो गया, लाइट बल्ब हो गया, अगर फैन को आपने इस तरह शो किया तो ये फैन का हो गया, अगर लाइट बल्ब है तो बल्ब को इस तरह शो कर दिया, आपने बल्ब को बता दिया, आपने सॉकेट को बताना तो सॉकेट को इस तरह कर दिया, सॉकेट को बता दिया, अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड बताना है तो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड ऐसे कर दोगे तो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हो गया, मेन बोर्ड बनाना है, फ्यूज बनाना है, स्विच बनाना है तो स्विच को अगर ऐसे कर दे तो वन वे स्विच हो गया, वन वे स्विच, तो इस तरह का आपको क्या करना है, सिंबोलिक करना, यानी कि प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का यूज करना। उसके बाद आता है प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन में आपका देखना पड़ता है कि कोई अगर ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है अगर रखी हुई तो उसका प्रोजेक्शन हमको बनाना, यानी कि अगर हम ऊपर से देखते हैं तो वो किस तरह की शेप दिखती है, उसको ड्राइंग शीट में बना, उसको टॉप व्यू बोलते हैं, अगर साइड से देख रहे हो उस वस्तु को तो साइड व्यू बोला जाता है, साइड व्यू को अगर साइड से देख रहे हैं तो साइड व्यू का भी हमको चित्रांकन करना है, तो ये, और अगर हमको फ्रंट से देख रहे हैं, अगर उसके सामने से किसी वस्तु को देखा जाए तो फ्रंट व्यू बोला जाए, तो उस व्यू को भी आपको बताना है, तो ये आप प्रोजेक्शन में पढ़ो। इसके बाद आता है आर्थोग्राफी या आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, इसमें आपको ये देखना होता है कि आर्थोग्राफिक में जैसे कोई भी वस्तु दे दी, जैसे आपको दे दिया गया पेंटागन दे दिया गया, अष्टभुज दे दिया गया, इससे या आपको ऑक्टागन दे दिए, अष्टभुज दे दिए, ये सब अगर भुजा वाली आकृति दे दी गई है तो उसका डायग्राम बनाना है, यानी कि अगर फ्रंट से देख रहे हैं तब उसका शेप कैसे बनेगा, और टॉप से देख रहे हैं तब उसका फ्रंट कैसे बनता है, और उसका साइड से देखेंगे तो साइड व्यू कैसे बनता है, तो ये चीज़ आपको पढ़ना है आर्थोग्राफिक्स एंड आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। एक फैब्रिकेशन ड्राइंग, फैब्रिकेशन अगर ड्राइंग का पढ़ना देखें तो इसमें आपको पूरे चीज़ के बारे में पढ़ना है, प्रोजेक्शन फाइल कैसा होता है, टॉप व्यू कैसे बनता है, फ्रंट व्यू कैसे बनते हैं, तो इस सब के डाटा मीटर आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, और यही आपका सिलेबस है, फर्स्ट ईयर सिलेबस है आईटीआई का, इंजीनियर ड्राइंग का है। आप स्टडी आप टेक्निकल पे, आप हमारे चैनल पे इसको देख रहे हो, आप इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और दोस्तों को आप बताइए, ठीक है, थैंक यू क्लास, ओके, गुड नाइट।